कुमकुम भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें। सब प्राची को ऐसे देख रहे हैं जैसे उसी का वेट कर रहे हो। लगता है रिया कल रात की शादी के लिए झगड़ा करने वाली है। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे चेहरे पे तो काफी ग्लो है, लगता है रात को अच्छी नींद मिली होगी, है ना? दूसरों की नींद उड़ाकर खुद तो चैन से सोई होगी। कल रात का ड्रामा खत्म हो गया हो तो बता दो। नहीं, अभी कुछ बचा है क्या? रिया, लिसन, स्टॉप इट। तुम ये सुबह सुबह मत करो प्लीज। रणवीर, मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं तो कुछ खत्म करने आई हूँ। तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि ये मैटर मेरे और प्राची के बीच में। एक सेकंड, तुम ये किस मैटर की बात कर रही हो? रणवीर, तुम्हारे अलावा हम दोनों के बीच में लाइफ में और क्या कॉमन है? तुम्हारे अलावा एक तुम ही तो हो जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर हो। और अगर प्राची कहती है कि मानती है सॉरी कि तुम इसके सुहाग हो, तो मैंने भी तुम्हें अपना सुहाग माना है। अगर तुमने इसकी मांग भरी है तो तुमने मेरी मांग में भी सिंदूर भरा है। मैटर को खत्म करने के नाम पे उसे बस खींचे जा रही। जो भी बोलना है एक ही बार में बोलो और खत्म करो। प्राची, लिसन, रिया से मैं बात करूंगा, तुम जाओ अंदर जाके रेस्ट कर लो। रणवीर, रिया तुमसे नहीं प्राची से बात करना चाहती है, और उसे जो भी बोलना है उसे बोल लेने दो। थैंक यू डैड, थैंक यू नीति। हो गया पानी वानी? नहीं, नाश्ता चाहिए तो वो भी कर लो, वरना बोलोगी कि खाली पेट में चक्कर आ रहे। तुम्हें बात क्या करनी है? कल रात के ड्रामा के बारे में, कुछ याद आया? तुम्हें कुछ याद नहीं? अदीदा, इसे पानी नहीं नींबू पानी की जरूरत है, हैंगओवर अभी तक इसका उतरा नहीं है। प्राची को खुद याद नहीं कल क्या हुआ था, मतलब उसने जो फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करी थी वो भी याद नहीं? कहीं तुम अपने उस हरकत की बात नहीं कर रही हो जो कल रात तुमने की? एक सेकंड, रिया ने क्या हरकत करी कल रात को? इसने जो किया उसके लिए एक्चुअली कोई नाम नहीं है मेरे पास। अच्छा काम, बुरा काम, हर काम की ना एक लिमिट होती है, लेकिन लिमिट ये वर्ड तो ऑब्वियसली इसके डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर होता तो शायद इसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है पता होता। गिरी हुई हरकतों में भी तुम इतना गिर चुके हो ना कि कोई तुम्हें उठाकर अपने साथ खड़ा भी नहीं रखना चाहे। सौतन शब्द को भी तुमने शर्मिंदा कर दिया, मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर मुझसे नकली कागजात पर दस्तखत ले ली। सम गिल्ट एडमिटेंस पेपर्स जो ऑब्वियसली फेक थे, उसमें लिखा था कि मैंने रणवीर से कभी शादी की ही नहीं, और जो शादी हुई वो फेक थी क्योंकि शादी कराने वाले पंडित जी फेक थे। He was a paid actor. तुम्हारी शादी लीगल है तो फिर उसे प्रूफ करने के लिए ये इलीगल तरीका क्यों? तुम्हारा रिश्ता सच्चा है तो उसे बचाने के लिए झूठ का सहारा क्यों? कोई एक बात है जिसे तुम सच बोल सकते हो? रणबीर ने उसी दिन मुझसे शादी कर ली थी जिस दिन वो तुमसे शादी करने वाला था। शादी के बाद हम यहां इसी घर में आए थे, बड़ों का आशीर्वाद लिए, पर शायद हमारी शादी हमारी जिंदगी का श्राप बन गया। आशीर्वाद की जगह हमें फरमान दिया गया कि हमें उसी वक्त इस घर को छोड़ना पड़ेगा, घर की चौखट से लौटना पड़ेगा।
मेरे साथ साथ रणबीर को भी इस घर से बाहर निकाल दिया गया। तो अगर ये शादी हुई ही नहीं थी तो मम्मी और डैडी किस बात को लेके इतने खफा थे, इतने गुस्सा थे कि अपने ही बेटे और बहू को घर से निकाल दिया? आपको तो अच्छे से याद होगा ना किस तरह आपने हमारी शादी को कोसा था। रणबीर ने हमारे विशेष के अगेंस्ट शादी की है। तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम तो मुझे पहले से पसंद नहीं थी, ये सब कहा था आपने। अगर ये शादी हुई नहीं है तो आपने ये सब क्यों कहा था? मेरी शादी को झुठलाना इस घर के हर सदस्य को झूठा कहने जैसा है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि कोहली खानदान का हर एक मेंबर झूठा है? हमारी शादी के बाद वेडिंग गिफ्ट में हमें 2 साल का वनवास मिला था, जिसे हमने हंसते हंसते काटा। जिस किराए के मकान में हम रहते थे ना, वो घर हमें मिला ही इसलिए था क्योंकि हम शादीशुदा थे। फैमिली मेंबर्स की नाराजगी, फैमिली का गुस्सा, लीज अग्रीमेंट पेपर्स, ये सब था हमारी शादीशुदा जिंदगी में। वी हैड अ हिस्ट्री, यू नो। पर तुम तो हिस्ट्री को ही बदलने चली थी। तुम आज बदल सकती हो, आने वाला कल बदल सकती हो, पर जो बीता हुआ कल है, अतीत को कोई नहीं बदल सकता। और सबसे बड़ी बात, मुझसे शादी करने के बाद सबसे पहले रणबीर ने अपनी फैमिली को बताया था कि उसने मुझसे शादी कर ली। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने रणबीर से पूछ लो। नहीं, तुम रणबीर को नहीं पूछोगी क्योंकि तुम्हें तो रणबीर पे भरोसा ही नहीं है। हम दोनों की राय एक ही है कि रणबीर इज नॉट अ trustworthy पर्सन। यू आर राइट, आई agree। क्योंकि मुझसे शादी करने के बाद उसने तुमसे शादी कर ली। एक सेकंड रणबीर, मुझे अभी रियलाइज हुआ, कहीं तुम भी इस प्लान में शामिल तो नहीं? मेरी ड्रिंक में नशे वाली दवाई मिला के मुझसे वो दस्तखत लेना, और ये तुम दोनों का प्लान तो नहीं है? तुम्हें सिर्फ यही याद है कि हरिया ने कल रात को तुम्हें चीट किया? रिया ने और भी कुछ किया है? नहीं, कल तुमने और मैंने फिर से शादी करी थी। What? शादी? हाँ। तुमने और मैंने? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये तुम दोनों का ही प्लान। हाँ, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को चेंज कर लूं, कहीं और डाइवर्ट कर लूं और तुम पर से ब्लेम हट जाए, है ना? आई एम श्योर ये तुम दोनों का प्लान है। पहले मुझे वो ड्रिंक पिलाना और फिर अपनी ही बातों में मुझे उलझाना। वो पेपर वापस करो जिस पर धोखे से तुमने मेरे सिग्नेचर्स लिए थे। मैंने तुमसे कोई भी पेपर्स पे कोई साइन नहीं करवाया। झूठ मत बोलो, मुझे सब याद है। मुझे इंटॉक्सिकेट करके वो पेपर्स तुमने साइन करवाए। माँ और पापा के नाम पे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल की, सब याद है मुझे। मैं सब याद है। मेरे साथ क्या हुआ वो तुम्हें याद है, लेकिन रणबीर के साथ क्या हुआ वो तुम्हें याद नहीं है। कैसे? कुमकुम भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Zee5 पर। अभी आप डाउनलोड करें।